हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने इंस्टेंट आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और खाने में एकदम लाजवाब। तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने लिया है सुप्रीम आइसक्रीम मिक्स पाउडर है, तो ये बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाता है आजकल कहीं भी, और बनाना भी बहुत आसान है। तो ये देखिए पाइन एप्पल फ्लेवर्स है हमारा, सभी फ्लेवर्स का आता है इसमें। और देखिए यहाँ पर इसका लिखा है इंस्ट्रक्शन, तो आप इसे देख के आप बना सकते हैं, नहीं बनाएंगे तो। और इसका प्राइस बहुत ही कम है, 45 रुपीज़ है इसका। तो हम यही बनाते हैं, बहुत जल्दी बन जाता है, तो इसीलिए सोची मैं आज आप लोगों से भी शेयर करूँ। तो देखिए 1.5 लीटर मैंने दूध लिया है, और दूध में मैंने पैकेट से उसको निकाल के सभी पैकेट डाल दिया है पूरा, और मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और ज़्यादा बॉयल नहीं करना है, गैस ऑन कर दिया मैं। और इसमें शुगर रहता है ऑलरेडी पहले से ही, तो शुगर फिर भी आप जो जितना मीठा खाता है डाल सकता है, मैं 2 से 3 चम्मच डाली हूँ, तो आप भी ऐड कर सकते हैं अगर ज़्यादा मीठा खाते होंगे तो। ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और 2 से 3 मिनट तक इसे बॉयल करेंगे, तो ये अपने आप देखिए थिक होने लगती है। ये जो हमारा था मिल्क, तो देखिए अच्छे से हमारा थिक हो गया है। अब इसे हम उतार लिए हैं नीचे, और 10 मिनट में ये ठंडा, अच्छे से ठंडा कर लेंगे। होने के बाद इसे फ्रीजर में रखना है, 2 से 3 घंटे तक मैंने फ्रीजर में रखा है। अब इसे बाहर निकाल लिया, और इसे मिक्सर ग्राइंडर में मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो ट्रांसफ़र करके और इसे इसमें मैं मिक्स करूँगी। ये फ्रेश मलाई है घर का, तो मैंने इसमें मलाई 1-2 दिन का मेरा था फ्रेश मलाई, तो इसमें डालने से क्रीमी क्रीमी बहुत ही अच्छा आइसक्रीम हमारा तैयार होगा बनके, तो इसलिए आप भी डालें इस तरह से। अब इसमें कुछ भी बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए बीच बीच में मिक्सी धीरे धीरे चलाएँगे रुक रुक के, और 1 मिनट तक इसे चलाना है। तो देखिए मैंने मिक्सर में चला दिया है, और इस तरह से हमारा हुआ है, बहुत अच्छे से क्रीमी हमारा तैयार हुआ है बैटर। अब इसे हम, तो ये देखिए मैं एक कंटेनर ली हूँ, और इसमें हम इसे ट्रांसफ़र कर देंगे। ट्रांसफ़र करने के बाद अच्छे से इसे थोड़ा सा वो कर लेंगे, ताकि अच्छे से इसमें डब्बे को थोड़ा सा हिला देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। और ये मैंने लिया है, इस तरह से हम कर देंगे, तो ये फॉइल पेपर है, और फॉइल पेपर से अच्छे से हम कवर कर देंगे। और कवर होने के बाद तो इस तरह से हम कवर कर देंगे, और कवर करने के बाद इसे फ्रीजर में 10 से 12 घंटे तक रखना है। ये देखिए हमारा 10 से 12 घंटे अब हो चुके हैं, अब इसे फाइनली हमारा आइसक्रीम बनकर तैयार हो गया है। अब चेक करते हैं खोल के, तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारा आइसक्रीम सेट हुआ है, जमा है बहुत अच्छे से। चलिए अब हम खाने के लिए सर्व करते हैं। तो एकदम फ्रेंड देखने में अमेजिंग दिख रहा है, तो इस तरह से हम निकाल लेंगे प्लेट में। और मैंने थोड़ा अनारदाना लिया है, और ऊपर से गार्निश कर दिया है, तो बिल्कुल ऑप्शनल है अनारदाना डालना, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना स्किप कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ।